गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल 2.0 में। और दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे दोस्तों, दो अंकों वाली किसी भी संख्या का वर्ग निकालना। आप सेकेंडों में वर्ग निकालना सीख जाएंगे, ये मेरा वादा है, ठीक है। तो आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहें और वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है। और ये जो है स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का पार्ट 3 भी होने वाला है। इसके पहले दो वीडियो डल गए हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ जा कर के देख लीजिएगा, ठीक है। पिछले वीडियो में हमने क्या किया है, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, तो वहाँ से आप देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको मैं टाइप के हिसाब से बताऊँगा, ठीक है। तीन टाइप मैं लिए हुए हैं और तीन टाइप से आप जो है किसी भी दो डिजिट वाली संख्या का वर्ग निकालना सीख जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपके सामने टाइप 1 ले रहा हूँ, ठीक है। और हम देख क्या देख रहे हैं, किसी भी दो अंकों वाली संख्या का वर्ग निकालना, ठीक है दोस्तों। दो अंकों की किसी भी संख्या का वर्ग निकालना, वर्ग यानी कि आपका स्क्वायर, ठीक है। तो इसको देखेंगे, और हम लोगों का वर्गमूल और घनमूल का ये पार्ट जो है आपका 3 है, ठीक है, पार्ट 2 डले हुए हैं। तो चलिए मैं आपका जो है टाइप 1 ले रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है बस, आपको उन्हीं पॉइंट्स को आपको याद रखना है, ठीक है। तो टाइप 1 में मान लीजिए मैं आपके सामने कोई एग्जांपल शो कर रहा हूँ, जैसे मैंने एग्जांपल आपके सामने लिया है 56 का स्क्वायर। इसका आपको क्या करना है, स्क्वायर फाइंड करना है, ठीक है। तो आपके सामने यहाँ 5 और यहाँ 6 और उसका आपका स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से आप बना लेंगे, और इसके बाद आपको क्या करना है, जो 5 लिखा हुआ है यहाँ जो अंक है उसका आपको स्क्वायर यहाँ लिख देना है, यानी 5 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो आपका 25 आ जाएगा, और जब 6 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 36 आ जाएगा। इतना आपको कर लेना है। इसके बाद आपको इन तीनों संख्याओं का मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 5 का मल्टीप्लाई आप 6 में करेंगे तो 5×6=30 हो जाएगा, और देन 30 में आपको 2 का मल्टीप्लाई कर देना है तो आपका कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, यानी कि 60। और इस 60 को यहाँ नीचे लिखना है, बट लिखना कैसे है, जो यहाँ लास्ट डिजिट है उसके नीचे कभी भी कोई भी संख्या आपकी नहीं आएगी, और उसके बाद इस जो आपकी जो ये संख्या दी गई है उसको आपको पीछे से लिखना शुरू करना है, यानी कि 0 यहाँ दिया गया है तो इस अंक के नीचे 0 लिख देंगे, 6 दिया गया है तो इस अंक के नीचे 6 आ जाएगा। अगर यहाँ आपका एक अंक और होता तो आप आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है, वो आपको मैं टाइप 3 में बताऊँगा। और इसके बाद आपको सारी संख्याओं को ऐड कर देना है, तो आपका ये 6 हो जाएगा, ये आपका 3, और ये आपका 11 हो जाएगा, और ये आपका 3, ठीक है, ये खांसी थी तो ऐड कर देंगे, तो आपका कितना होगा, 3136 जो होता है वो 56 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो मैंने अभी आपको समझाया है इसलिए आपको टाइम लगा हुआ है, ठीक है। चलिए, ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। अब हम आपके सामने एग्जाम्पल 2 लेकर के आ रहे हैं, तो देखिएगा 44 का स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है, आगे जो संख्या दी गई उसका स्क्वायर लिखिए, तो 4×16, और यहाँ भी 4×16 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसका मल्टीप्लाई करिएगा, 4×4 का कितना हो जाएगा, 60, 16 का मल्टीप्लाई जब 2 में हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 32। इसके बाद इसके नीचे इसको लिखना है, तो लास्ट डिजिट के नीचे कुछ आता नहीं है, इसके बाद 2 आपका यहाँ आ जाएगा, 3 आपका यहाँ आ जाएगा, देन सबको ऐड कर दीजिएगा तो ये 6 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, और 639, और ये 19 हो जाएगा, यानी कि 1936 आपका 44 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो आशा करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए, आपको 10 से 20% भी समझ में आया होगा, और आगे और एग्जांपल देखिएगा तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल 3 में आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ 67 का स्क्वायर। ये आप सभी के जो है पार्ट टाइप 1 में आप देख रहे हैं अभी, ठीक है। तो अब जब आप 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आ जाएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इनका मल्टीप्लाई करिए तो 6×7=42 हो जाएगा, और 42 का मल्टीप्लाई 2 में करना है तो 2×2=4 हो जाएगा,
और 2 चौके 8 यानी 84 को लिखना है। तो नीचे यहाँ तो कुछ आएगा नहीं, यहाँ 4 लिखिएगा, यहाँ 8, सबको ऐड कर दीजिएगा तो 9 हो जाएगा, और 4 4 8 और 8 6 14 और यहाँ आपका 44 हो जाएगा, यानी कि 4489 जो होता है आपका 67 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आया होगा दोस्तों। सेकेंडों में आप किसी भी 2 डिजिट वाली संख्या का स्क्वायर निकालेंगे अभी। ठीक है, आगे देखिएगा 66 का स्क्वायर अगर आपसे पूछा है तो 7 का कितना हो जाएगा 49, 6 का आपका 36 हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, 7 6 42, ठीक है, 42 दूना कितना हो जाएगा 84, 84 हो जाएगा। अब 84 को यहाँ लिख दीजिएगा तो यहाँ तो कुछ आएगा नहीं, यहाँ 4 यहाँ 8, इसके बाद सबको ऐड कर दीजिएगा तो ये 6 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा और 9 8 17 और ये 5, यानी 5776 जो होता है दोस्तों वो आपका 76 का स्क्वायर होता है। ठीक है, और भी बड़ी संख्या आप ले सकते हैं 2 डिजिट वाली कोई भी, जैसे मान लीजिए 94 में ले रहा हूँ। ठीक है, इसको पहले आप अपने आप से बना करके देखिएगा। तो आप क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर लिखेंगे यानी 81, 4 का कितना लिखेंगे 16, उसके बाद यहाँ कोई डिजिट आने वाला नहीं है, 9 4 जा कितना हो जाएगा 36, देन 2 का मल्टीप्लाई भी करना है तो 36 2 72 आ जाएगा। अब इसको पीछे लिखिए, पीछे से स्टार्ट करिए, 2 आप यहाँ लिखेंगे, 7 आप यहाँ लिखेंगे, इसको ऐड कर दीजिएगा तो 6 आपका यहाँ आ जाएगा, 2 और ये 3 हो जाएगा और ये 8 और 8, तो 8836 जो होता है आपका 94 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आशा करते हैं इतना आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों आप 49 का खुद से देखिएगा निकाल करके कितना आता है। तो ये हमने टाइप वन में देखा, किस में देखा, टाइप वन में हमने इतने एग्जाम्पल देखे। क्या किया था हमने, जो आपका फर्स्ट डिजिट दिया गया है, फर्स्ट अंक दिया गया है आपका, उसका आप स्क्वायर लिखिएगा, देन आपको जो सेकंड दिया गया है उसका स्क्वायर लिखिएगा। ठीक है, और इसके बाद इसका इससे मल्टीप्लाई करके उससे 2 में मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, तो जो मल्टीप्लाई आया है आपका उसको आप यहाँ नीचे लिखेंगे। ठीक है, कहाँ नीचे लिखेंगे, तो यहाँ लास्ट डिजिट की यहाँ तो कोई आपको लिखना नहीं है यहाँ। ठीक है, ये हमेशा खाली रहेगी जगह, और उसके बाद यहाँ पीछे से स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ आपके 2 डिजिट भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4, इस तरीके से आएंगे। ठीक है, फिलहाल 3 से ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं टाइप टू। चलिए दोस्तों, टाइप टू क्या है, तो मैं कुछ एग्जाम्पल आपके सामने शो कर रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए छोटा सा एग्जाम्पल है आपके सामने 16, इसका आपको स्क्वायर निकालना है। तो फिलहाल आपको याद होगा, बट इस ट्रिक से कैसे निकालेंगे तो देखिएगा। जब आप 16 का स्क्वायर निकालेंगे तो आपको क्या करना होगा, 1 का स्क्वायर लिखना होगा। तो 1 का स्क्वायर आप 1 ही लिखेंगे और 6 का 36 लिखेंगे। ठीक है, बट आपको एक यहाँ पर पॉइंट याद रखना है कि जब आप यहाँ कोई भी अंक लिखेंगे स्क्वायर करके तो वो अकेला नहीं होना चाहिए, यानी जोड़े में होना चाहिए। किसमें, जोड़े में होना चाहिए, यानी 2 2 के जोड़े में होना चाहिए। तो ये तो 1 अकेला है, यानी इसके साथ आपको 0 लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, 0 लिखना पड़ेगा। अब इसके बाद आप इसका गुणा कर दीजिए, 1 का जब 6 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, और 6 2 12 हो जाएगा। इसके बाद इसको नीचे भी लिखना है, यहाँ इस स्थान पर तो कुछ आएगा नहीं, 12 का आपका 2 यहाँ आ जाएगा, 1 आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसको ऐड करिए तो 6 यहाँ आ जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा और आपका ये 2 हो जाएगा, यानी 256। ठीक है, फिलहाल यहाँ 0 का कोई सेंस नहीं रहा, बट मैं अभी आपको बताऊँगा, आप आगे देखिएगा। जैसे मान लीजिए आपका 22 दिया है, अब 22 का आपको स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पहले तो 2 का स्क्वायर लिखेंगे तो 4, यहाँ भी 2 का स्क्वायर लिखेंगे तो 4। अब मैंने बताया था कि यहाँ जो संख्याएं आएंगी वो अकेली कभी नहीं आती। ठीक है, अपने साथ में अपने साथी को भी रखेंगी तो ठीक है, अब साथी क्या आएगा, तो यहाँ कोई संख्या तो रख नहीं सकते, 0 ही रख सकते हैं, तो 0 दोनों के आगे लगा दीजिएगा। इसके बाद इनका मल्टीप्लाई करिए तो 2 2 4 4 2 8, अब 8 लिखना है तो यहाँ तो आएगा नहीं 8 आपका यहाँ आएगा। इसके बाद ऐड कर दीजिएगा तो ये 4 और ये 8 हो जाएगा और ये 4, तो 484 आपका 22 का क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से और देख लीजिएगा, जैसे 72 हो गया आपका, तो 72 का स्क्वायर आप क्या करेंगे, 7 का तो 49 हो जाएगा और 2 का क्या हो जाएगा आपका 4। ठीक है, तो 4 लिख दीजिएगा, इसके बाद आपको मल्टीप्लाई भी करना है तो 7 2 14 2 28 हो जाएगा, तो 28 को आप यहाँ लिख देंगे इस तरीके से, यहाँ तो कुछ आएगा नहीं।
ठीक है। इसके बाद आप इसको क्या करें, जोड़ें तो यहाँ आपका 4 आ जाएगा और ये आपका 8 आ जाएगा और यहाँ 9 2 11 हो जाएगा और यहाँ 5, ठीक है, यानी 5184 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से और बड़ी संख्या आप 91 का निकाल सकते हैं, ठीक है, आप इसी तरीके से 83 का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आप खुद से इसको फाइंड करें, ठीक है, क्या इसका स्क्वायर निकल करके आएगा। तो देखा दोस्तों कैसे आप सेकंडों में किसी भी 2 डिजिट वाली संख्या का क्या है स्क्वायर निकाल पा रहे हैं। तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, ठीक है। और यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो चैनल से ज़रूर जुड़े, ठीक है, क्योंकि अब वीडियो जो है कंटिन्यूसली आ रहे हैं, आप देख भी रहे होंगे, तो चैनल से ज़रूर जुड़ें, सब्सक्राइब भी करें और फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलें, ठीक है, ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। तो चलिए अब मैं आपको टाइप 3 बताता हूँ, बट बहुत ही ईजी है टाइप 3 भी, देखिए क्या है। तो देखिए टाइप 3 आपका क्या है, टाइप 3 जो है दोस्तों टाइप 1 के जैसा ही है और टाइप 2 के जैसा ही, बट यहाँ क्या होता है कि जब हम लोग ऊपर संख्याओं का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 100 के अबव चली जाती है, यानी 100 के पार चली जाती है, तब वहाँ क्या करें, ठीक है। तो कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है, बट मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे आपका मान लीजिए बड़ी संख्या ले रहा हूँ 87, अब आपको 87 का स्क्वायर निकालना है तो आपका 8 का 64 हो जाएगा, 7 का 49 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना, मल्टीप्लाई करना है, यहाँ तो कोई संख्या आएगी नहीं, तो 8 7 56 हो जाएगा और 56 दूना कितना हो जाएगा आपका 112, ठीक है, 112। तो अब 112 को क्या करना है, आपको बस सेम वैसे ही लिखना है, मान लीजिए पीछे आपका 2 दिया है तो 2 लिख दीजिएगा, उसके बाद यहाँ 1 लिख दीजिएगा और 1 है तो फिर से 1 लिख दीजिएगा, इसको ऐड कर दीजिएगा तो ये आपका 9 हो जाएगा, ये 4 और 2 2 6 हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा और 6 1 7 हो जाएगा, यानी 7569 जो है आपका 87 का स्क्वायर हो गया। और देखिए जैसे आपका 99 है, चलो 99 का देख लेते हैं, तो 99 का क्या करेंगे, 9 नंबर 81 इसका स्क्वायर हो गया, 9 नंबर 81 ये भी स्क्वायर हो गया, यहाँ कोई संख्या नहीं आएगी, 99 कितना हो जाएगा, 9 नंबर 81 और 81 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2 एकम 2 और 2 8 16, ठीक है, इस तरीके से सभी को ऐड कर दीजिएगा तो 1 और 8 और 2 10 हो जाएगा, कैरी 1 आ जाएगी और 6 1 7 और 1 8 और 8 1 9 ये हो गया 9801 आपका 99 का स्क्वायर। इसके बाद और भी आप निकाल सकते हैं, चलिए आप 78 का निकाल करके देख सकते हैं, ठीक है, 78 का भी आप जो है फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद भी आया होगा और आपकी अच्छी हेल्प होगी, ठीक है, इस वीडियो से। तो यही था इस वीडियो में, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, थैंक यू।